हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 13 फॉर क्लास 12। तो देखिए, कल हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। ऐसे ही बहुत से बच्चों ने उन न्यूमेरिकल्स के साथ साथ और भी न्यूमेरिकल किए हैं और मेरे से प्रॉब्लम शेयर की हैं, और उम्मीद करता हूँ कि कल तक, यानी ये वीडियो आप जिस दिन देखोगे उस दिन तक, जो भी आपके पास बुक है, ज़्यादातर बच्चों के पास एसएल अरोड़ा है, तो लगभग सभी बच्चे जितने भी आपके सोल्ड और अनसोल्ड न्यूमेरिकल हैं आप कर चुके होंगे। तो कल इसको कंप्लीट आपको करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर शुरू करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं वो न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ जो कुछ बच्चों ने मेरे पास डाले हैं, और वास्तव में ही जो न्यूमेरिकल मेरे पास उन बच्चों ने डाले हैं, डाले तो कई थे लेकिन मैंने कुछ में थोड़ा थोड़ा उनको बताया तो उनके क्लियर हो गए, लेकिन ये दो या तीन न्यूमेरिकल बचे हैं उनके, जो थोड़ा सा मेथड इनमें चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, फिर हो पाएंगे। तो आइए, उन्हीं में से फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका डिटरमाइन दी, उसमें पहले लिखा हुआ है कि उसमें बाय यूजिंग किरचॉफ्स यूज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी व्हेन नो करंट फ्लोस इन आर्म बीई ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में आपका शो किया गया है, इसको यूज करते हुए आपको निकालना है इस ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन नोट एनी करंट इज फ्लो इन आर्म ई बी, क्लियर है। अब देखिए, अगर इस आर्म के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये जितने भी रेजिस्टेंस है, तो ये मान के चलो कि ये डिस्कनेक्ट अगर मैं कर दूंगा, करना नहीं है आपको, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये बताइए मेरे को, जितना करंट आपका सबसे बड़ी, मैंने बताया था जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली सेल है वहां से करंट का फ्लो शुरू करवा दीजिए। तो यहां से मैं इस डायरेक्शन में करंट लेके चलूंगा, जो भी करंट मैं यहां कंसीडर करूंगा वो एज इट इज इस कंप्लीट सर्किट में फ्लो करेगा। बताइए सही बात है कि नहीं है, सही है ना। देखिए, तो अब ये क्या कह रहा है, अब मैं यहां पे ये मान रहा हूं कि यहां से जो 6 वोल्ट की बैटरी है, यहां से करंट है वो आई आया, तो यहां पे भी आई रहेगा, यहां पे भी आई रहेगा क्योंकि सीरीज में है, यहां पे भी आई रहेगा, ये एक जंक्शन बन गया, यहां पे जाएगा आई वन, क्या जाएगा आई वन, ये कह रहा है उसको क्या कर देना है जीरो, तो डेफिनेटली यहां भी क्या जाएगा आई, यहां भी क्या जाएगा आई, तो ऐसे ही ये करंट आई एज इट इज यहां से आपका फ्लो हो जाएगा। बताइए ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें जो अलग से चीज यूज की गई है वो यही है कि इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा माइंड का यूज करना पड़ेगा, यानी वो आपने सुनी है ना, चाणक्य नीति यहां पे लगानी पड़ेगी तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज अगर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, अगर इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं हो रहा, तो अगर मैं इसको टर्मिनल मान लू और इसको, और यहां पे लगा दू मैं एक वोल्ट मीटर, ऐसे करके क्या लगा दू एक वोल्ट मीटर, तो मेरे को ये बताइए इस वोल्ट मीटर के ये पाथ में पढ़ रहा हूं, देखना डी सी ए, फिर देखो डी सी ए, और दूसरा पाथ है डी एफ ए, इस वोल्ट मीटर के ये दोनों पैरेलल में हुए या नहीं हुए बताइए। यानी अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं तो ऐसे करके इस पाथ को कंप्लीट कर सकता हूं, दूसरा पाथ मेरा है यहां से ऐसे चल के ऐसे कंप्लीट कर सकता हूं,
इट मींस नेटवर्क की एक रास्ते से चलूं तो ये दो ब्रांच मेरी आ रही है, वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो वोल्ट मीटर तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, लेकिन वहीं पे अगर मैं देखूं तो एक बात ये भी है, तो वोल्ट मीटर इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी अलोंग पाथ ए सी डी इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी अलोंग पाथ ए एफ ई डी, इस बात से भी वही रहेगा। तो यहां पे आपको माइंड का यूज करना है। अब देखो, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करने के लिए गलती से पहले ये पाथ ले लूं तो क्या होगा, ये पाथ मैंने ले लिया, ये मेरे पास अननोन हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, अननोन। तो डेफिनेटली अगर इस पाथ से मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो गलती होने का चांस है। तो हम क्यों करेंगे जब हमारे पास दूसरा रास्ता रहा। तो हमारे पास अगर मैं ये पाथ लेके और ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो बहुत इजी है, V इज इक्वल टू आई आर अगर मैं इस पे लगा दूं तो बहुत इजी है, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें, दोनों रेजिस्टेंस कुछ भी अननोन है नहीं, केवल और केवल किसकी जरूरत पड़ी, अगर मेरे को आई की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूं। तो बस आपको एक ही काम करना है कि हम आई की वैल्यू ले लें। अब यहां पे फिर दोबारा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा कि लूप कौन सी ले आई निकालने के लिए। तो हम वो लूप लेंगे जिसमें ज्यादातर चीजें गिवन हो, हम ऐसी लूप क्यों लें जिसमें कुछ ज्यादा अननोन हो। अगर किसी ने ये लूप ले ली, ऐसे चल पड़ा कोई ऐसे करके ये लूप ले ली, तो आप आर कहां से लेके आओगे, दो अननोन हो गए, इक्वेशन बनेगी एक। इट मींस ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो अगर मैं ये पाथ ले लूं इस तरह से, अगर मैं चल के और इसको सोल्व कर दूं तो बहुत इजी है भाई, इसका तो काम ही खत्म। आपका ये आर वन अननोन है, लेकिन इसके इन टू में क्या हो जाएगा, जीरो। अलोंग एरो अगर मैं चलूंगा तो ये V इज इक्वल टू आई आर, यानी आई वन इंटू आर वन और आई वन की वैल्यू जीरो। इसका मतलब इसकी मेरे को जरूरत है भी नहीं, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके दोबारा देख ले मैंने क्या क्या बताया है। अब मैं बिल्कुल इजी तरीके से इसको केवल और केवल सोल्व करूंगा बिना कुछ बताए। तो जितनी भी चीजें मैंने समझाने के लिए यहां पे कंसीडर की थी उनको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। और मैं इसके ऊपर अब केवीएल लगा रहा हूं, ये तो मेरा जीरो रहेगा ही, ये मैं लूप ले रहा हूं, इस तरह से चलना मैं शुरू करूंगा, ऐसे लूप वन, बस एक ही लूप लेंगे, आपका काम हो जाएगा, दूसरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि करंट एक ही है, एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो शुरुआत में यहीं से कर देता हूं, जो क्लोज्ड पाथ है ना, लूप का नाम मैं ऐसे ही दे देता हूं, लूप ई, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा ई। इस क्लोज्ड लूप के ऊपर मैं क्या लगा देता हूं, केवीएल लगा देता हूं। तो इस क्लोज्ड लूप के ऊपर केवीएल अगर मैं लगाऊं तो देखिए, ई से गया मैं आई वन, यानी ई से अगर बी वाले इस ब्रांच में चलूंगा तो पहले आ रहा I1, इसके रास्ते में है यानी अलोंग द एरो चल रहे हैं तो प्लस आएगा, तो ये हो गया आपका I1 into R1। उसके बाद मैं पहुंचा, देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज और बताई थी, या तो मेरी मान लो या बुक की मान लो, अगर दोनों को पढ़ोगे और फिर न्यूमेरिकल करोगे तो गलत आएगा, क्योंकि मैंने अपना रूल बना रखा है, बुक वाले ने उस रूल में कुछ चेंजमेंट कर रखे हैं। तो आप जैसे मैं करवा रहा हूं इसी तरीके से करिए, सॉल्यूशन बुक में मत देखिए, अदरवाइज गलतियां होने के चांसेस हैं। अगर आप बुक वाला स्टेप वाइज स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो कुछ न्यूमेरिकल्स को जो रूल मैंने बनाया है इसको यूज कर लेगा बिना बताए, फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जो रूल मैंने आपके लिए ये बनाया है इस तरह से मैं बता रहा हूं आपको, इस रूल को आप कहीं पे लगा लो,
तो जो बुक वाला कह रहा उसकी कहीं पे जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हम इसी से सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। लेकिन जो बुक वाला कर रहा है उससे सारे नहीं हो पाते, उसमें फिर इसकी जरूरत पड़ जाती है कहीं ना कहीं, और बुक वाला बिना बताए लगा देगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप इसी को फॉलो करें जो रूल मैंने आपको बताया है। तो देखिए मैं कर रहा हूं I1 R1, उसके बाद किस टर्मिनल के पास पहुंचे, नेगेटिव के पास, तो -3 लगा दीजिए। उसके बाद किसके पास पहुंचे, सिक्स के पास, और वो भी नेगेटिव, तो -6 लगा दीजिए। उसके बाद आप पहुंच गए 2 ओम, यानी I into में 2 ओम, प्लस आएगा या माइनस, एरो की डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है, तो क्या लगाऊंगा, +2 I। उसके बाद वो फिर नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचा, कितना है 1, तो -1। उसके बाद मैं एरो की डायरेक्शन में I into में 3, +3 I इज इक्वल टू 0। ये था आपका रूल। ध्यान रहे यहां पे गलतियां करोगे आप, कहां पहुंचे, चलते जाओ जिस टर्मिनल पे बैटरी या सेल जो भी आपकी लगी है उसके किस टर्मिनल पे पहले पहुंच रहे हो, जिस पे पहले पहुंच रहे हो वही सिंबल यूज कर लीजिए। तो हम किस पे पहुंचे पहले, नेगेटिव पे, इसके भी किस पे पहुंचे नेगेटिव पे, इसके भी किसके पहुंचे पॉजिटिव पे। चाहो तो आप लूप को अपोजिट करके और अप्लाई करके देख सकते हो, इस लूप को अपोजिट घुमा देना, ऐसे चल पड़ना, कहां से चलोगे, BEFAB, ये क्लोज लूप ऐसे लेना, चल के देख लेना आप कहीं से बी से चलेंगे पॉजिटिव आएगा, एरो के अपोजिट नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी सारे सिंबल बिल्कुल अपोजिट हो गए, सारे सिंबल बिल्कुल अपोजिट हो गए, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो पहले आया था वही, क्योंकि इज इक्वल टू एक तरफ माइनस और एक तरफ पर तरफ आ रहा है प्लस, यानी ऐसा आ रहा है -A इज इक्वल टू B। अगर इसको ऐसा कर दे तो A इज इक्वल टू -B, क्या इसमें कोई चेंजमेंट हुआ, नहीं। तो आप अप्लाई करके देख सकते हो तो भी आपका सही आएगा। तो इसलिए आपको यही रूल लगाना है, वो आप भूल जाइए कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। बुक वाला कहेगा लोअर टू हायर जाएंगे तो पॉजिटिव ले लेना, और हायर टू लोअर जाएंगे तो नेगेटिव ले लेना, और वो बाहर चलता है ना जो सर्किट में चलता है इसका अपोजिट हो जाता है, और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बुक वाले ने तो कहा था जब बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे तो पॉजिटिव लेना है, और बाहर पॉजिटिव टू हायर टू लोअर चलेंगे तो नेगेटिव लेना है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं कहीं पे पॉजिटिव ले रहा है कहीं पे नेगेटिव। इसलिए आप इसी रूल को फॉलो करें जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं I1 की वैल्यू क्या है, 0 रख दीजिए, इसका तो काम ही खत्म। अब ये जो टर्म साइन को मैं लेके जाऊंगा उस पार, यानी इज इक्वल टू के उस तरफ, -1 -3 -6, 3 + 1 = 4, 10 हो गया, तो ये हो गया 2i + 3i = 10, सही है। तो ये हो गया 5i = 10, और i = क्या आ गया मेरे पास, 10/5, और दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, मेरा काम हो गया, 2 एम्पियर मेरे पास करंट आ गया। तो अब मेरे को निकालना है, ये ए था, ये टर्मिनल, ये जो पॉइंट था ये था आपका डी, ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल रहा हूं, VAD। यहां पे समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए, पेपर को जो चेक करेगा, आपके न्यूमेरिकल को जो देखेगा, उसको समझाने के लिए पाथ जरूर बता दे कि किस पाथ के अलोंग निकाल रहा हूं। तो मैं निकाल रहा हूं अलोंग पाथ कौन सा, AFD, AFD, बाकी बताने की जरूरत नहीं, इतना बताने के बाद वो समझ जाएगा कि वोल्ट मीटर यहां लगाएंगे तो ये और ये किस में हो जाएंगे पैरेलल में। अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसमें भी आपका आर हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहले हमें VAD निकाल देता हूं, तो V = IR होता है, लगाना शुरू करें यहाँ पे, ये V वगैरह यूज नहीं होंगे अब ना, ये सेल यूज नहीं होंगे, केवल IR लगाना है, तो 2 into में I, उसके बाद मैं गया इसके पास तो ये हो रहा है आपका प्लस, ये आपका क्या हो रहा है +3 into में I, और उसके बाद हम पहुंच रहे हैं किसके पास, डी के पास, तो
तो V इज इक्वल टू आई आर, ये तो बहुत इजी हो गया है आपका। तो कॉमन करंट है, कॉमन करंट है I, और इनटू में रेजिस्टेंस आपका हो गया 2 + 3 = 5। इस तरह से आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां से निकाल सकते हैं, यहां से आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो किस तरीके से निकाले, चलिए यहां पे अगर मैं सेल का यूज नहीं करूंगा तो आंसर गलत आने के चांसेस हैं। चलो मैं सेल का यूज करके आपको बताता हूं। देखिए यहां से मैं चल रहा हूं ए से मेरे पास आया करंट 2 और करंट सॉरी 2 ओम का रेजिस्टेंस इनटू में आई, मैं पहुंचा इसके माइनस के पास। देखिए यहां से जो वोल्टेज थी ना, वो यहां से अगर ये जाएगा तो वो आपका इधर ही इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ चेंजमेंट जरूर करेगा। तो इसलिए ये सेल हम यूज कर रहे हैं, इस पाथ के अलोंग ये सेल आ रही है। तो आपका कितना है यहाँ पे 1 वोल्ट, तो माइनस का 1। उसके बाद अगर मैं आगे जा रहा हूं तो अब आएगा प्लस थ्री इंटू में आई। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू रख दीजिए 2 × 2 − 1 + 2, ये आ गया 3 × 2। तो सोल्व कर दीजिए, ये हो गया है आपका 6 − 1 = 5, 4, 9, कितना हो गया है 9 वोल्ट। ये आ गया आपका है, यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये 9 वोल्ट आ गया है। अब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगा के आप सोल्व कर सकते हो, इसके अक्रॉस लगा के आप सोल्व कर सकते हो। ये पाथ ले लीजिए और अप्लाई करके देखिए, शायद आपका ये आर की वैल्यू 1 आएगी। एक बार अप्लाई करके देख लेना आप, ये पाथ लेना और फिर निकाल के देख लेना, यानी क्या निकाल के देखोगे, 9 वोल्ट तो आएगा यहाँ पे, आप 9 वोल्ट तो यूज करोगे, यानी इसकी जगह पे तो ये वैल्यू रखोगे, और वहां पे क्या अननोन रहेगा इस इक्वेशन में, कहीं ना कहीं आर अननोन रहेगा। ये आई तो आपको पता है कितना आर है, आर अननोन रहेगा, उस आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। निकाल के दिखानी है क्या, निकाल लो। चलो मैं दिखाता हूं, यहां से पाथ ले रहा हूं, मैं पाथ ले रहा हूं ए सी डी, ये पाथ ले रहा हूं। यहां से अगर मैं चलना शुरू करूं, 6 आ रहा है पॉजिटिव, ये आ रहा है फिर पॉजिटिव +4, उसके बाद हम एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं −r × i = कितना आया 9। नाउ सोल्व दिस फॉर आर, आर के लिए सोल्व कर दीजिए, तो आर की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो। तो 6 + 4 ये हो गया 10, −ri = 9 − 10, तो ये आ गया आपका इधर −1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, आई की वैल्यू आपको पता है कितनी है 2 एम्पियर, तो आर कितना आ गया 0.5 ओम। अब ये वैल्यू रख के आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देखिए, सेम आएगा। पर कैलकुलेशन देख लेना भाई, कहीं गड़बड़ कर दी हो तो मैंने, बाकी तरीका बिल्कुल सही है। तो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो उसको मैं एक बार लिख देता हूं। न्यूमेरिकल है आपका, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड ए नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड across diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. ये है आपके पास क्यूब, वो मैंने बना दिया है, नेमिंग आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेनी है। तो पहले तो जो रेजिस्टेंसेज हैं इनको मैं मान रहा हूं कि आर हैं, सभी के अक्रॉस कितना दे रहा हूं मैं इसको आर देख के चल रहा हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि जो क्यूब है इसकी नेमिंग कर देता हूं। तो नेमिंग में आप इस तरह से सिंबल्स यूज कीजिए कि जैसे कभी कोई गलती से पी क्यों आर ऐसे ना करे, क्योंकि आर आ चुका है आपका, दोबारा यूज करोगे तो गलतियां होने के चांसेस हैं। तो ऐसे कर देते हैं ए बी
सी डी ई एफ जी एच, शायद हो गए होंगे सारे, एक बार देख लेना, अगर कोई रह गया हो तो नेमिंग आप उसकी कंप्लीट कर लें। तो जैसे सभी क्वेश्चन हम करते हैं ऐसे इसको भी करेंगे, बहुत ही इजी है, बस आपको मेथड को सीखना है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया जहाँ से सेल शुरू होती है वहीं से करंट ड्रॉ कर दीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ से जो करंट है वो आई आ रहा है। तो अब सबसे पहले हमें सिमेट्री नेटवर्क की पता करनी पड़ेगी, अदरवाइज देखिए अगर आपने आई वन आई टू और आई थ्री अलग अलग करंट ले लिया तो आपके पास फिर उसके बाद इधर फिर डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे करके तो इतनी सारी इक्वेशन हो जाएंगी कि सोल्व करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह का अगर नेटवर्क आए तो कोशिश कीजिए सिमेट्री बनाने की, कि कहीं पे सिमेट्री तो नहीं बन रही है। तो सिमेट्री यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है हर रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है, यानी आर इज इक्वल टू वन ओम गिवन है। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर, आगे का ना देखूं और यहाँ पे मैं देखूं तो बराबर करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऐसे तो मैं नहीं कर सकता, पहले मैं आगे देख लेता हूं। तो आगे कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर मैं ये आपके पास तीन वेज हैं, इनमें से कोई भी एक वे चूज कीजिए, मैंने सपोज ये रास्ता चूज किया ए से बी, उसके बाद मैं जाऊंगा यहां, फिर जाऊंगा यहां, एक दो तीन रेजिस्टेंस आपके सीरीज में आ रहे हैं, ये दो इनके पैरेलल में आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहां से जाऊं तो एक दो और ये तीन, ये तीन हुए पैरेलल में, ये हुए एक और दो, ये इस कंप्लीट के हुए पैरेलल में, या हम कहें कि ये दो आपस में पैरेलल और इनका जो रिजल्ट है वो इसके सीरीज में, ऐसे ही ये दो और ये दो पैरेलल में इनका रिजल्ट सीरीज में, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ये दो और ये दो पैरेलल में इनका रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज में, मीन सिमेट्री बन रही है। तो ये करंट इक्वली थ्री पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगा, तो हमारे हाथ की बात है कंसिडरेशन में, क्यों ना इसको थ्री मान लू, थ्री आई, ताकि आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, और यहाँ पे करंट को मैं आई आई और आई करके डिवाइड कर दो। आगे चलिए, आगे यहाँ पे जाके ये करंट यहाँ से आई आएगा, तो यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ कितना होगा आई बाई टू, और इसमें भी कितना होगा आपका आई बाई टू, ऐसे ही इसमें आई बाई टू, इसमें आई बाई टू, ऐसे ही इसमें आई बाई टू, और इसमें भी आपका आई बाई टू। उसके बाद देखो यहां से आया आई बाई टू इस एफ जंक्शन पे, इधर से भी आया आई बाई टू, आई बाई टू प्लस आई बाई टू आई, इधर से इस जंक्शन से आया आई बाई टू और इधर से आया आपका आई बाई टू, तो आई बाई टू इधर से, आई बाई टू इधर से, तो ये भी कितना हो गया आई। ऐसे ही इसकी बात करूं तो इधर से आया आई बाई टू, आई बाई टू आया इधर से, ये दोनों इसमें मिलेंगे तो ये कितना हो गया आई। तो मेरे पास कितना था थ्री आई। तो क्या इस एफ, एक ये था आपका एंट्रिंग जंक्शन, यहाँ पे टोटल करंट एंटर कर रहा था थ्री आई, लीव कितना कर रहा है थ्री आई, तो इट मीन्स हमने बिल्कुल सही डिवाइड किया है करंट का, इस तरह से ही हमने मान लिया। मन मर्जी है, अब आपकी मर्जी है, कोई भी क्लोज्ड पाथ ले लीजिए, पाथ में कोई भी आर्म रिपीट करनी नहीं है, यानी वापिस आना नहीं है, एक बार चलना शुरू करना है, शुरुआत आप ऐसे ही कर सकते हो, फिक्स है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और सेल का यूज हो जाना चाहिए, ऐसा कोई एक पाथ ले लीजिए, तो आपकी मर्जी है आप कोई भी पाथ ले लीजिए। पहले मैं ये लिख देता हूँ, जो गिवन है वो मेरे पास दो चीजें 10 वोल्ट और 1 ओम रेजिस्टेंस, इनको साइड में लिख देता हूँ, और क्वेश्चन को मैं यहाँ से अब हटा रहा हूँ, ठीक है। सभी आर्म के अक्रॉस अलग अलग आपको करंट बताना है और इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है, ये काम हमें करना है। तो मैं क्लोज पाथ ले रहा हूँ, ए, ए से मैं जाऊंगा ई के पास, ई से मैं जाऊंगा एफ के पास, एफ से मैं जाऊंगा जी के पास, जी से मैं आऊंगा इस सेल के पास, इस सेल से मैं वापिस आ जाऊंगा ए के पास। ये क्लोज पाथ लिया, इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ के वी एल, किरचॉफ्स वोल्टेज लो। तो देखिए वन बाय वन हम सोल्व करते, कहीं पे भी लगा लीजिए पाथ, आप कोई भी ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप ये कोई भी ले लीजिए, सेम वैल्यू जानी है, आप चाहे अप्लाई करके देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि हमने सिमेट्री यहाँ पे बना दी है।
तो अब देखिए, अब हम क्या करें इस बात के अलोंग, ए से अगर मैं ई जाऊंगा तो करंट है आई, तो पहला आया आपका आई आर, ये एरो की डायरेक्शन में तो आई आर आएगा, उसके बाद फिर एरो की डायरेक्शन में, लेकिन करंट आई बाई टू है प्लस आर आई बाई टू, उसके बाद फिर एरो की डायरेक्शन में है प्लस आई आर, क्लियर, उसके बाद इज इक्वल, सॉरी सॉरी अभी चलने दो, उसके बाद क्या आएगा ऐसे ऐसे यहां पहुंचे माइनस के पास, तो माइनस ई इज इक्वल टू जीरो, क्लियर, सोल्व करिए इसको, तो आपके पास सोल्व करने के बाद आ रहा है आई आर प्लस आई आर टू आई आर, टू आई आर प्लस आर आई अपॉन टू इज इक्वल टू ई, चलिए सोल्व करते हैं, एलसीएम आया टू, ये हो गया फोर आई आर प्लस आर आई इज इक्वल टू ई, तो यहां से आपके पास हो गया फाइव आई आर अपॉन टू इज इक्वल टू ई, तो e की वैल्यू आई है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर इतना। अब कंसीडरेशन देखिए, ऊपर से हटा रहा हूं, ऊपर से मैं इसको हटा रहा हूं, मेरा जो काम काम की चीज है वो ये है बस, बाकी केवल कैलकुलेशन के लिए यूज की थी, अब इसका दोबारा यूज नहीं होना, ये यूज होना है आपका, जो इक्वेशन मैंने नाम दिया इसको आप लिख के रखिए। अब मैं मान के चल लेता हूं इस कंप्लीट नेटवर्क का रेजिस्टेंस आर डैश है, और कंप्लीट नेटवर्क का रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, ई इज इक्वल टू आई आर, ये वाला ई इज इक्वल टू आई आर, ऐसा होता है, तो ऐसे ही मैं इसके ऊपर लगा देता हूं, ये इसके ऊपर लगा देता हूं, तो ई अपॉन रेजिस्टेंस, मैं सॉरी आपको क्या करना पड़ेगा, वी इज इक्वल टू होता है आई आर, मेरे को निकालना आर, दैट इज वी अपॉन आई, कितना V अपॉन में I की वैल्यू कितनी 3I, टोटल करंट कितना माना 3I, तो क्या आएगा यहाँ पे 3I, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ E, E की वैल्यू रख दीजिए तो R डैश आ जाएगा, R डैश इज इक्वल टू बाय यूजिंग फर्स्ट, यहां से रखनी, अभी वो वैल्यू यूज नहीं करनी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते, कि केवल अब तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो वो कंडीशन नहीं बन जाती तब तक वैल्यू नहीं रखेंगे, तो देखिए अब मैं ये वैल्यू रख रहा हूं इसकी जगह पे, तो ये है फाइव आई आर अपॉन में टू इंटू में थ्री आई, आई से आई कैंसिल, आर डैश इज इक्वल टू फाइव आर अपॉन सिक्स, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है वन, तो कितना आ गया फाइव बाई सिक्स, तो कंप्लीट रेजिस्टेंस आ गया, बहुत आसान काम हो गया, इसको हटा देता हूं, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, नेट रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू 5 बाय 6 ओम, टोटल रेजिस्टेंस मेरे को पता, टोटल ईएमएफ मेरे को पता, क्या मैं करंट नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं मैं, आई की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्यों नहीं निकाल सकता, तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, रूल लगा देता हूं फिर दोबारा से, वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पे मेरे को जो रूल लगाना है वो 3i के लिए, तो टोटल करंट के लिए लगाना है भाई, ये ध्यान रखना है गड़बड़ ना हो जाए कहीं, तो E इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस R डैश और टोटल करंट है 3i, 3i है, ये 3i यूज करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये वैल्यू रख दीजिए अब यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 10, R डैश की वैल्यू कितनी है, R डैश की है 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6 इंटू 3 2 और इंटू में आई, तो ये हो गया 5 बाई 2, ये हो जाएगा ऊपर 2 नीचे 5, 10 इंटू में 2 अपॉन 5 आई आ गया आपका, आई यहां से आपके पास जो भी आया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो आपके पास ये एक